और फूफो के 40 है आज ख़त्म है, तो मैं अभी वहीं चौलिस्तान जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा, रात घर आ जाऊँ, अगर लेट हो गया तो नहीं आ सकूँगा। चले माशाल्लाह आराम से। और यहाँ पर ये घास वगैरह मुझे ही टोका करना है, मवेशियों को संभालना है, बच्चों को घर का काम, माशाल्लाह। तो फिर रात को होश ही नहीं होता किसी और चीज़ का। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद होगी कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, और मेरी अम्मी और मेरी सिस्टर नमाज़ पढ़ रहे हैं, मेरे अब्बू चौलिस्तान गए हुए हैं, और मवेशी का काम भी अभी शुरू होने वाला है। अब ये माशाल्लाह घास का जब ना अभी टोका करेंगे, और मेरी अम्मी ये बकरियों का चारा बना रही है। ऐसे बना बना के ना बच्चों को दे दूंगी, ये उठा उठा के खुरली में डालेंगे। शाबाश, उठाओ माहम, शाबाश। और माशाल्लाह ये टोटल घास जो है ना मिक्स हो गया तूड़ी में। और ईमान देखे मेरे लिए पानी लेके आइए, थैंक यू। ये माहम डाल कर गई है, ये खा रहा है। अब नीलू की बारी है, उनकी बारी है। और यहाँ पर तूड़ी जो है कल वाली बची हुई थी, तो इसमें सब जो है ना घास मिक्स करके और बने, इससे ये तूड़ी भी ज़ाया नहीं जाएगी और ये भी आराम से खा लो। ऐसे पूरी खुरली जो ना इस तरह बनेंगे। ये क्या है दुआ? क्या किया आप दोनों ने? और आपने क्या किया है ये? किस तरह हाथ और शक्ल की हुई आप दोनों ने? हाँ दुआ। वहाँ पर इनकी सिस्टर जो ना अपना काम कर रही थी स्कूल का, और इन्होंने इनकी स्याही लेके ना सारी मुंह में डाल के सारी ख़राब कर लिया, मुंह भी और स्याही भी सारी ख़त्म कर दी। और माशाल्लाह अभी रुखसार की बारी है, पहली पहली केन भरने की, उसके बाद रुखसाना माहम सब बारी बारी एक एक केन भरेंगी, और मैं और मेरी बड़ी बच्चे हैं वो लेकर दूसरी साइड पर जाएंगे मवेशियों को पानी पिलाने। केन लेके जा रहे थे तो इसने कहा मुझे भी उठानी थी, दोनों हाथों से पकड़ लेके मैंने उठानी है। चलो उठाओ केन, उठाओ, शाबाश। और ये वाला भूत भी आ गया इसके साथ। इसके बाल एक बार खुले छोड़ दे, पोनी ना लगाए तो फिर तो बहुत ज़्यादा तंग करती है, पोनी नहीं लगाने देती। अल्लाह ये घास खा के बैठ गई है, सुकून कर रही है। और यहाँ पर ये भी और वो भी खड़ा है, अभी पानी पियेंगे साथ ये मिट्टी के साथ। ओहो हालत देखो आपने किस तरह की हुई है, क्यों इस तरह तंग करती है? चलो आ जाओ, बाल भी गंदे कर दिए सारे। ईमान उठो, आ जाओ अंदर, नहीं आओगी तो मैं मारूंगी आपको। नहीं आ जाओ अंदर, शाबाश, आ जाओ, आ जाओ वहाँ से, देखो मोटरसाइकिल या गाड़ी आ जाएगी, उठो वहाँ से। और जैसे ही मैं वहाँ से आई मवेशियों से, यहाँ पर मेरी बेटी ने आटा भी गूंध दिया, तंदूर भी गर्म कर लिया, यहाँ पर पेड़े भी बना रही है, ये तंदूर पर भी माशाल्लाह अभी रोटियाँ जो है ना लगा रही है। ये रोटी आ गई है। अच्छा पहले ना एक दो फेर जो रोटियों के मैं खुद लगा देती हूँ, क्योंकि ये बच्ची इसके हाथ ना जल जाए, तो बाद में ये खुद लगाएगी। चलो ये देखे ताज़ी और फ्रेश फ्रेश गर्मा गर्म रोटियाँ तैयार। और यहाँ पर ये रोटी लेने आ गई है, दुआ को रोटी चाहिए, अब जा रही है। माशाल्लाह रोटी हमारी तैयार होगी, मैं लेके आ गई हूँ, आज बच्चे खाना खाएंगे आम के साथ। और यहाँ पर दुआ ने अपने टुकड़े बनवा लिए। दुआ को भूख लगी थी हाँ। और यहाँ पर खाला जो ना अभी सूखा साग दे के जा रही हैं, तो बच्चे जो ना वो कह रहे हमने आम के साथ खाना खाना है। और ईमान आपने और सब माशाल्लाह साग बहुत अच्छा बना हुआ है, सूखा साग। माहम भी मेरे साथ खाना खा रही है, रुखसार भी और रुखसाना भी। और यहाँ पर जो ना आम काटे जा रहे हैं। मान आपने आम के साथ खाना खाना है, सालन के साथ नहीं खाना? चलें ठीक है, आप आम के साथ खाना। और मान भी आम के साथ खाना खा रही है, वो बस आम ही खाएगी, सलाद बने तो सिर्फ सलाद, और अब आम की बारी आई तो सिर्फ आम खाएगी। हाँ ईमान ऐसे ही मान। अभी इसको पिलानी है दवाई, और ये सो गई है क्योंकि बहुत तंग कर रही थी। देखते हैं ये ना एलर्जी है पता नहीं क्या, ये ख़ारिश कर रही। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर आप सबको।
और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ ली है। रात को मेरे शौहर भी वापस आ गए थे। तो आप सब जहाँ भी रहें, जिस जगह भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियाँ दूर करे। अल्लाह पाक अपने घर में आपको खुश रखे। अल्लाह पाक करे जो बीमार है उन्हें शिफा दे। जो बे औलाद अल्लाह पाक उन्हें साहिब औलाद करे। और जो कर्जदार अल्लाह पाक कर्ज से निजात दे। और जो बेरोज़गार अल्लाह पाक उन्हें अच्छा रोज़गार दे। और जो रिश्तों के तलबगार अल्लाह पाक उन्हें अच्छे से रिश्ते अदा करे। और जिसकी जो भी परेशानी अल्लाह पाक सब दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह पाक करे जिनके बच्चे बाहर काम के लिए गए हैं कामयाबी अदा करें। रात को मेरे बेटे की खाल आई थी, मैंने बात की, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई उमर से बात करके। बस वो भी यही कह रहा था कि मेरे पापा कब आने वाले हैं, आप नहीं आ रही। मैंने कहा मैं नहीं आ रही, आपके पापा आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह खुश था, बहुत ज़्यादा। अल्लाह पाक करे आप सब खुश रहें, आबाद रहें। और मेरे बेटे के लिए सब दुआ करें, अल्लाह पाक उसे कामयाब करे। और आप सब की जो भी परेशानियाँ मुश्किलात हैं दूर करें इंशाल्लाह। आप हमारे लिए दुआ करें, हम आप सब के लिए दुआ करते हैं। और बच्चे जो है ना अभी उठे हैं, छोटे बच्चे भी सो रहे हैं, सुबह का टाइम है माशाल्लाह। आज मैंने बाहर साहन में नमाज़ पढ़ी है। सुबह का मौसम चेक करें। और चाय बनाने के लिए जो ना आग जलाई जा रही है। और तो अभी उठ के आ गई सुबह सुबह। जी लें आप अपनी चाय। आज डिश नहीं मिली तो मैंने इसमें ही लेके आटे वाले दाल में। माशाल्लाह हम लोग गांव जाने के लिए रवाना हो गए हैं। आज अपनी रेडी पे जा रहे हैं क्योंकि इसका ये जो चीज़ थी ना ये हमने बनवा लिया परसों। और हम पहुंच गए हैं यहाँ पर। और मेरे शौहर जो हैं जा रहे हैं घास करने, क्योंकि गर्मी जो है ना आज फिर से हम लोग लेट हो गए। दिन कहाँ चढ़ाया, गर्मी भी ज़्यादा हो गई है। और आते ही यहाँ का देखें किस तरह का मौसम है माशाल्लाह। और मुझे तो यहाँ से अच्छा अच्छा घास मिल गया, मैं तो यहाँ से निकाल रही हूँ। और मेरे शौहर का पता नहीं वो कहाँ से ढूंढ रहे हैं। माशाल्लाह मेरा घास जो है ना यहाँ पर ही है टोटल वहाँ तक। ये मेरा इकट्ठा हो गया है घास। आपने भी बना लिया? आज गर्मी ज़्यादा हो गई है ना, लेट हो गई। गर्मी तो रोज़ रोज़ बढ़ रही है। आप सर से ये रुमाल तो उठाएं, इससे सर में दर्द पड़ेगा आपके। और वहाँ पर जो है हस्बैंड मेरे घास लेके जा रहे हैं। पहुँच गए बाइक लेके आ रहे हैं। आगे हैं बाइक लेकर सड़क पे। ये डाल के आ जाए, मैं ये दूसरी, चलो ये मैं उठा के लेके आ रही हूँ। और मुझसे तो इस तरह ही घास जो है ऊपर रखा गया क्योंकि फारूक की हाइट बड़ी है तो वो ऊपर ही रख देते हैं। बस ये आखिरी गट्ठा है जो लेके आ रहे हैं, फिर हम लोग घर चले जाएंगे। अब कैसे रख, क्योंकि मैंने टेढ़ा पेड़ा घास रख दिया है, पहले वो ठीक कर दें। घास ये सीधा करें, समझ नहीं आ रहा। हाँ ऐसे। अस्सलाम वालेकुम, मैं यूट्यूब पर भी कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। चलिए अब बैठ जाऊँ मैं, आज इसके ऊपर कहीं मैं गिरी ना जाऊँ। देख लें आप, गधा गाड़ी नहीं है जो सुकून से चलेगी। आप सब दुआ करें कि मैं खैरियत से जो ना अपने घर पहुँच जाऊँ, क्योंकि आज इन्होंने मुझे कितनी ऊँचाई पर बिठा दिया है। और इसका व्यू देखें माशाल्लाह, गांव की खूबसूरती देखें और सब्ज़ा देखें। यहाँ पर किसी भी तरह की जैसे शहरों में होती है धूल मट्टी गर्द गुबार, बिल्कुल ही हरियाली। और सुबह सुबह का ये जो मौसम है ना, ठंडी हवा चल रही है आज तो क्या थी गे वे। और ये जो गांव है मेरे मामू का है, यहाँ पर खजूरें जो ना भी मुझे लगता है पकने वाली हैं। और ये रास्ता कच्चा था, आगे पक्का रास्ता है। अब हम लोग पहुंच गए हैं रोड पर। और गांव में घर कितने प्यारे लगते हैं, चारों तरफ सब्जा सब्जा। अब चल रहा है, आज तो हम लोग नहाए भी नहीं, ऐसे ही घर जा रहे हैं।
गांव की ये मौज होती है कि मवेशी जो ना छांव पर ही बंधे रहते हैं, जैसे यहाँ पर छांव में बाहर छोटी छोटी सी मेमनियाँ भी हैं और इस साइड पर भी घर हैं, क्योंकि आज हम लोग दूसरी साइड से आए हैं। गांव में सब अपने खेतों में, बच्चे बड़े सब अपने अपने उसमें लगे होते हैं। आंटी घास कर रही हैं। ये बच्चा गाड़ी लेके जा रहे हैं। खेतों को माशाल्लाह पानी लगा हुआ है और नहर अभी तक भी नहीं आ रही। कहा भी है कि मुझे उतार दे, नहीं उतारा, क्योंकि यहाँ से ऊंचाई थी, मैं गिर जाती नीचे। अच्छा मैं कह रही हूँ जो उतार दे, कह रहे हैं नहीं नहीं, डर के आगे जीत है। पर माशाल्लाह हम लोग पहुँच गए अपने घर। अब मैं यहाँ से उतर जाऊँ आराम से, कि मवेशी जो ने सुबह यहाँ पे छोड़ के। दुआ क्या हुआ, क्या हुआ दुआ को, क्या हुआ, क्या हो गया, ये इसने खून क्यों निकाला हुआ अपना। और आते ही दुआ को मैंने उठा लिया और ये जो है झूले के अंदर घुस गई है। क्या हुआ है, क्या हुआ यहाँ पे, नहीं करो, नहीं ऐसे नहीं करो, अभी आज कितने दिन हो गए, इंजेक्शन भी लगवा रहे हैं, दवाई दर्द है यहाँ पे, दर्द है, छोड़ दो ना फिर इसे। क्या हुआ, ये चुप हो गए तो मैं घास उतार लूँ। अमरूद नहीं लाई है, आम कह रही है कि लाए, मैंने कहा नहीं लाया। और इमान भी घास लेके आ गई है। रुखसाना भी लेके आ गई और ईमान भी लेके आ गई। क्या हुआ, ओहो ये क्या है, चाबी, अरे वाह, चलो अब मैं उठवा लूँ आपको। मिशी ऐसे सुकून से सो रही है जैसे पूरी रात जागती रही है। मान क्या कह रही हो, आम चाहिए, ऐसे रोटी नहीं अच्छी लग रही। नहीं क्यों, क्यों नहीं लग रही। माशाल्लाह खाना हमारा लग गया, मेरी बेटी ने तंदूर पर रोटियां भी बना ली। रात हमने सालन नहीं बनाया था, आम के साथ खाना खाते, अभी हरी मिर्चियां जो है ना घी में भून लिया और यहाँ पर हरी मिर्चों का अचार भी है साथ में। नाश्ता रेडी हो गया। और कहाँ है माम, कहाँ है ईमान, कहाँ है ईमान, तो है सब बेचारे। रुखसाना, रुखसाना को बुलाओ जल्दी, मुँह हाथ धोने गए हैं। आ जाओ जल्दी, आ जाओ, नाश्ता तैयार हो गया भाई, जल्दी आओ। दो अभी अभी कुछ ना रो रो के पूरी हुई है, रोटी नहीं खानी, इसने खा लिया, आम ही खाने हैं बस। चलो मजे करो, अभी सीजन है इनका। ये छुरी से काटने भी नहीं देती, ऐसे ही खाती है छिलके उतार उतार के। ये खाना भी नहीं खा रही और ना ही मुझे खाना दे रही है, झूले में डाल दिया, बच्चे सब खाना खा रहे हैं, तो मैंने खाना अलहदा से ही ले लिया। चलो आप लोग सारे शुरू करो, शाबाश, चलो आज अपने पापा के साथ बैठ जाओ। अब ये चुप करके कार्टून देख रही है और मैं अपना खाना खाऊंगी, क्योंकि ये रो रही थी, झूले में नहीं सुकून कर रही थी। और अभी जो हम दुआ को डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, और यहाँ पर दुआ की दवाई भी ले ली है, इंजेक्शन भी लग गया। माशाल्लाह इसकी दवाई ले लिया, इंजेक्शन भी लगा इसे, तो रास्ते में इंजेक्शन की वजह से रो रहे थे, पैसे दिए, ये चीज़ ले, ये स्नैक्स, लेकिन इसको खाने नहीं देना। खोल दूँ, क्या लिया था, ट्रॉफी, ट्रॉफियाँ ली थी, चलो अच्छा किया। माशा जी दवाई भी इसे पिला दी अभी, और ये अब लगता है सो जाएगी, क्योंकि इसमें नींद की दवाई भी दी, इंजेक्शन भी लगा, इसको एलर्जी है जिसकी वजह से सुकून नहीं है। और माशाल्लाह दुआ झूले में सो रही है, दुआ को सुकून मिल गया है, माशाल्लाह दुआ तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। आप सब दुआ करें दुआ के लिए कि अल्लाह पाक इसे जल्दी से ठीक कर दें। हाँ दुआ, दुआ दवाई से ना एलर्जी की थी जो, उसमें कुछ ना मेरे ख्याल से सुकून की भी वो बता रहे थे है, इसको ना अभी नींद आ रही है, तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं हम भी आप भी कि ये जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि ये कुछ खा भी नहीं सकती, इसका मुंह अंदर से भी पक गया बाहर से भी। जैसे दुआ की दवाई लेके आए वैसे ही वो सो गई है, और मेरी अम्मी भी सो गई है, मेरी अम्मी आराम करे, कुछ देर के बाद मेरी अम्मी भी उठ जाएगी, और आप भी दुआ कीजिए ताकि हमारी रानी भी जल्दी ठीक हो जाए, और दुआ ठीक हो जाए।
क्या कर रहे हैं रुखसाना, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कैसे हो आप? ठीक है। अरमान तुम सुनाओ अपना। मन तुम कैसी हो? कैसी हो? ये क्या है? भालू कहाँ से है? हाँ? ऊपर छत पे पड़ा हुआ था, किसका है? तुम्हारा? अच्छा, क्या बातें कर रहे हो आपस में? कुछ नहीं, कुछ नहीं, नहीं। बता दो। कुछ नहीं कर रहे। कुछ नहीं कर रहे? नहीं। फिर क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। खेल रहे हैं। अभी कार्टून आया। क्या कार्टून? कार्टून इसके अंदर तो कार्टून ही नहीं है। दिखाया नहीं है? नहीं है। हाँ। नहीं है। दिखा? नहीं करो, नहीं करो बस। दिखा। नहीं है ना, मैंने तुम्हें माशाल्लाह चाय दोपहर की आज माँ हमने बनाई है, क्योंकि ये सो नहीं रही थी, मैंने इसको भी सुला दिया, इसके लिए पापे मंगाए हैं इसको चाय और पापे। आ जाओ ईमान, आ जाओ, आ जाओ ईमान, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, चाय पी लो, आ जाओ, क्योंकि ये कुछ दवा जो ना खा नहीं सकती, तो ये पापे जो ना सुकून से खा लेगी, फिर इसको दवाई देनी है। और ईमान आप आ जाओ, आज तो पापे भी अच्छे ले हैं, खूबसूरत कलर वाले हैं। वाह, ले लो चाय पी लो, आपको तो पसीना ही नहीं खत्म होता। ये आपकी चाय है, ये दुआ की चाय है, वो ईमान के पापे और ये दुआ के पापे। आराम आराम से खा रहे हैं सुकून से। हाय गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं बहुत खुश हूँ और माँ भी बहुत ज़्यादा खुश है कि अभी अभी इस तारा बहन की कॉल आई है। तो हमारी ये बात चल रही थी कि वो आ रही है पंजाब, जब मैं जाऊँ, मेरी तो वैसे तैयारी है, उम्मीद है कि मैं कल या परसों पहुँच जाऊँगा। तो सरप्राइज़ की बात यह है कि इस तारा ने माम को कहा है कि मैं आपके लिए गाड़ी गिफ्ट ले रही हूँ माम को देने के लिए। तो बस वेट इस बात का है कि सारा कह रही थी कि मेरी गाड़ी आ जाए, उसके बाद जो है मैं माहम के लिए भी गाड़ी नई खरीदूंगी। तो बहुत खुश है अभी से कि पापा मैं कब गाड़ी आएगी, कब आएगी। मैंने कहा सब्र करो, गाड़ी आ जाएगी अभी, अगर सारा ने कह दिया है तो। और ये बहुत जिद कर रही है कि उसको गाड़ी पोपो लेके दे रही है तो मेरी गाड़ी कब आएगी। मैंने कहा बेटा आपके पास बाइक है, आप गाड़ी को छोड़ें। तो मैं बहुत मशहूर हूँ बहन का कि जिसने इतना बड़ा फैसला किया मेरे बच्चों के लिए कि मैं उनको अच्छे से अच्छे स्कूल में पिकअप और ड्रॉप करूं, तो वो मुझे गाड़ी गिफ्ट कर रही है। तो थैंक्स फॉर सिस्टर, और बहुत सारा प्यार और दुआएं नेक तमन्ना ख्वाहिशात के साथ, और बाकी सब फ्रेंड्स फैमिलीज को। और आज के व्लॉग का एंड करते हैं, और कल तक के लिए दीजिए इजाज़त, और हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट्स में लाजमी शेयर करें और बताएं कि मेरा व्लॉग कैसे चल रहा है। और तमाम फैमिलीज को मेरे तरफ से बहुत बहुत प्यार और सलाम। बाय बाय, बाय बाय। और मैं कल इंशाल्लाह कराची रवाना हो जाऊंगा, सितारा बहन मेरा इंतजार करना, मैं सरप्राइज देके कल इंशाल्लाह आपके पास पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह। बाय बाय।